ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन पुलिस चार दिनों के भीतर चिट्टे के मुख्य सप्लायर तक आखिर पहुंच ही गई। आपको बता दें कि सोलन जिले के कुठाड़ में 30 अगस्त को एक स्थानीय युवक को पुलिस ने 16.06 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में जो सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी और एक नाइजीरिया मूल के तस्कर को हिरासत में लिया है। सोलन पुलिस चार दिनों के भीतर चिट्टे के मुख्य सप्लायर तक आखिर पहुंच ही गई। आपको बता दें कि सोलन जिले के कुठाड़ में 30 अगस्त को एक स्थानीय युवक को पुलिस ने 16.06 ग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में जो सामने आया वो काफी चौंकाने वाला है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली में दबिश दी और एक नाइजीरिया मूल के तस्कर को हिरासत में ले लिया, जिसे लेकर पुलिस सोलन पहुंची और उसे पूछताछ में पता चला कि वह बिना वैध दस्तावेजों के ही दिल्ली में रह रहा था। दिल्ली में रहते हुए वह नशे का कारोबार कर देश व प्रदेश के युवाओं को नशे का आदि बना रहा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पकड़े गए विदेशी तस्कर ने अपना नाम स्काइक उर्फ ब्रावो बताया है। 26 वर्षीय आरोपी जो नाइजीरिया का निवासी बताता है, लेकिन उसके पास ना तो कोई पासपोर्ट है और ना ही भारत में रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज बरामद हुआ है। उन्होंने कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 30 अगस्त 2019 को हमारा कुठाड़ चौकी, जो कि कसौली थाना के अंतर्गत पड़ती है, वहां पे एक एनडीपीएस एक्ट का केस दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम विक्रम उर्फ विक्की है, उसे 16.6 ग्राम हेरोइन बरामद की गई थी। इसमें पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और सोर्स तक पहुंचने की हमने कोशिश की, तो इसकी इंटरोगेशन पे पता चला कि ये जो हेरोइन लाया है ये दिल्ली से लाया है। इस पर एक टीम हमारी दिल्ली गई थी, वहां से सीडीआर के बिहाफ पे जो व्यक्ति जिससे ये बातचीत करता था, उसको एक विदेशी मूल का व्यक्ति है, उसको डिटेन करके कसौली लाया गया है, जहां पे उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति का नाम स्काइसी एंथोनी है और जो इसने अभी तक हमें बताया है, और क्योंकि इसके पास कोई भी पासपोर्ट या वीजा, कोई किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, इसने अपने आप को नाइजीरियन सिटीजन बताया है। 26 ईयर्स ओल्ड है ये, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में चल रही है।